फैक्टराइज 27 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 45 ए टू पावर 4 बी स्क्वायर। देखिए फैक्टराइजेशन बनाने का ना सबसे पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट रूल जो होता है ना वो होता है कि दोनों में से जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है। तो हम पहले नंबर को देखते हैं ना, फर्स्ट में नंबर हमारा 27 है, सेकंड टर्म में नंबर 45 है। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन मीन्स होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स एचसीएफ। तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, कौन सा जो टेबल है जो दोनों को काटेगा, अगर देखते हैं वही हाइएस्ट होना चाहिए, 3 से दोनों कटेगा। लेकिन हाइएस्ट में एचसीएफ हम देखेंगे ना, तो हाइएस्ट में हमारा होगा 9, 9 से 3 टाइम्स में कटेगा ये, और 9 से ये 5 टाइम्स में कटेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि 9 को बाहर निकाल देंगे कॉमन में। अब यहाँ देख रहे हैं ना कि ए क्यूब यानी ए 3 ठो है और ए टू पावर 4 यानी ए 4 ठो है। तो जो कम होगा ना उसको कॉमन बाहर निकालते हैं, कम क्या है 3 ठो, यानी कि हम ए क्यूब को बाहर निकाल दिए। सेकंड फिर देखते हैं बी का बारी आया, बी यहाँ क्यूब है बी यहाँ स्क्वायर है, मतलब कम कौन है, तो स्क्वायर वाला कम है ना, तो बी स्क्वायर को हम बाहर निकाल दिए। अब इतना कॉमन निकलने के बाद में ब्रेकेट लेंगे हम, और हम देखेंगे कि इस पूरे टर्म में क्या क्या बाहर निकला, क्या बचा। 27 में से अगर 9 को बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ बच गया हमारा 3, बिकॉज 9 3 जा 27। ए क्यूब में से ए क्यूब बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा। बी क्यूब में से 3 ठो बी में से 2 ठो बी बाहर निकाल दिए तो 1 ठो बी बच गया, उसको लिख देंगे माइनस का माइनस हो गया। इस 45 में से 9 को बाहर निकाले ना, तो 9 5 जा 45, 5 बच गया यहाँ पर। ए टू पावर 4 था लेकिन ए 3 ठो बाहर निकाले, यानी 1 ठो ए बच गया। अब बी स्क्वायर यहाँ था, बी स्क्वायर बाहर निकाल दिए, यानी कि कुछ नहीं बचा, और ये हमारा हो गया आंसर।